तन्वी, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हम बात करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स से, उन्हें समझाएंगे। आज जिस सिचुएशन में तुम हो ना, एक साथी यही नहीं पर उससे मिलती जुलती सिचुएशन मैं भी देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में। पर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था तन्वी, और हमने डट कर सामना किया था उसका। तुम्हें भी करना चाहिए। हम इन चीजों से भाग नहीं सकते और भागना भी नहीं चाहिए। आई नो डर लगता है, पर हमें उस डर पे काबू पाके उससे लड़ना चाहिए। मुझसे नहीं होगा शायद। इतनी समझदारी पहले दिखा दी होती ना तो नौबत यहां तक नहीं आती। एक बार फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। बोलो ना, जो बोलने वाली थी वो बोलकर जाओ, बिना बोले मत जाना। मैं सुन रहा हूं नायरा, बोलो। नायरा, नायरा, सेठ, सेठ, गॉड डैम इट, बोलो। बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोलो नायरा। हर बार तुम बात को छुपा नहीं सकती, बोलो नायरा। नहीं कार्तिक, नहीं कार्तिक, नायरा बताओ मुझे। कोशिश करती हूँ उन सब चीजों से बचने की, उतना ही इन्वॉल्व हो जाती हूँ। उलझते ही जाओ, उलझते ही जाओ, कभी खुद में, कभी फैमिलीज, कोई रास्ता ही नहीं बचने का। खास तुम्हारे लिए, देख लो वरना पछताओगी। तन्वी वाले केस का पीछा छोड़ दो वरना। कॉलेज में सब तन्वी को भूल के प्रोफेसर और स्टूडेंट की रंगीन कहानी के चर्चे, फिर आएगा मजा।
कुछ नहीं दादी, वो बाहर आ जाओ, किशोर ने नाश्ता लगा दिया है। आप शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम आ जाओ, फिर साथ में करते हैं। दादी अब आपको दवाई भी तो लेनी होगी, अब शुरू कीजिए, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया दादी, बस 2 मिनट लगेंगे, अब शुरू कीजिए। मैं किट्टू, नायरा इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? पापा नीचे जा रही हूँ, 2 मिनट में आती हूँ, कितने से कुछ काम है। तुम्हें भी सेंड किया है? हद है तो, इसका मतलब वो कहीं जो भी है बच नहीं पाएगा। हाँ, हमें डरा रहा है ताकि हम केस वापस ले लें। पर मैं नहीं डरती। मैं भी नहीं, पर अगर किसी दूसरे को मिल गया तो? कुछ तो हुआ है, गाड़ी की चाबी भी यही है, हुआ क्या है? जरूर कोई बात है, और जिस तरह वो भागी भागी गई, कहीं नायरा से मिलने तो, कहीं वो कार्तिक के पास तो। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी है वो। हाँ, मैं भी कुछ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा, अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। क्यों, मैं क्यों नहीं? मुझे भी तो छुड़िया ना ये बात, और मुझे भी तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारा अलग से लड़ना जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा, हर जगह झंडा लेकर शुरू हो जाना जरूरी नहीं होता। इसमें झंडा लेकर शुरू हो जाने वाली क्या बात है कार्तिक, वीडियो दोनों का बना है, दोनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लड़ेंगे भी तो दोनों ही ना। और इसमें रिस्क हुआ तो होने दो। होने दो मतलब मजाक समझ रखा है? आप तो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर जैसे फाइट कर रहे हो, सो क्यूट। व्हाटएवर इट इज, Let's handle this together. No, you stay out of it. Let me handle it. मैंने कहा मैं संभाल लूँगा, बस बात खत्म। देखो, कैसे संभालते हो? क्या सोचा होगा कार्तिक ने, पूछती हूँ उससे, क्योंकि खुद से तो कुछ बताएगा ही नहीं, सब अकेले जो हैंडल करना है उसे। बोल तो ऐसे रहा था जैसे, तन्वी तुम तो थैंक्स टू यू, अगर रात को इतना लंबा चौड़ा मैसेज नहीं किया होता तुमने तो मैं कभी नहीं आती यहाँ, थैंक यू। और तुम्हारी फैमिली, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने समझाया उन्हें और वो समझ गए। तुम देखना तन्वी, वो जो कोई भी है ना बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, देखना। कार्तिक केजी सर जरूर कुछ करेंगे। बहुत अच्छा किया बेटा, केस वापस लेने में समझदारी है। इट्स अ गुड डिसीजन सर, केस विड्रॉ करने से कॉलेज और ट्रस्ट की इज्जत बनी रहेगी, एंड इवन दैट पुअर चाइल्ड तन्वी, she will be spared of all the humiliation. But ये आप करेंगे कैसे? How will you do this? आपकी help लेंगे हम। मेरे कहने के बाद आप सबसे confirm करेंगे कि वो आदमी जिसने MMS बनाया वो पकड़ा गया। ये सुनकर सारे students शांत हो जाएंगे। हाँ बेटा, 2-4 दिन में सब इस बात को भूल भी जाएंगे, यही सही रहेगा। सही तो इसके बाद होगा दादी, हम ये सब स्टूडेंट से इसलिए कह रहे हैं ताकि वो जो भी कल्प्रिट है वो रिलैक्स हो जाए और हमारा उस तक पहुंचना आसान हो जाए। बस यही मेरा प्लान है, जल्द से जल्द इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि जल्द से जल्द उसे पकड़ सके। पर आप उसे पकड़ेंगे कैसे? Exactly. I'll tell you. जैसे ये बात उस तक पहुंचेगी कि हमने केस वापस ले लिया या किसी और को पकड़ लिया, बस
वैसे ही वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा और तब वो नहीं बच पाएगा। तो फिर हम केस सच में वापस? नहीं, ये केस हम हरगिज़ वापस नहीं लेंगे। जिस इंसान ने एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाला है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता, उसे तो हम सजा दिलवा के रहेंगे। ऐसे कैसे केस वापस ले सकता है गाड़ी? कॉलेज और ट्रस्ट की इज्जत इतनी मायने करती है कि लड़की की इज्जत कितने वाले हो नहीं। एक टाइम था जब ऐसी बातों पे लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, पर आज आज केस वापस ले लिया। इतना कैसे बदल सकते हो तुम कार्ते? इतना नहीं है जो जो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि हम उसकी मदद करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। तन्वी, हमें ही कुछ करना होगा, ये मैनेजमेंट तो कुछ नहीं करेगी। पर मुझे तो लगा वो लगा तो मुझे भी था, पर हमें उस झूठी उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, हमें उस एमएमएस वाले को विश्वास दिलाना होगा कि वो जो चाहता है वो हो गया है। मतलब ये सब उसे किया तो पैसों के लिए होगा ना, तो हम उसे पैसे ऑफर करेंगे। पर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? बस मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उस कॉलेज में सबको जानता, फिर उस एमएमएस बनाने वाले तक मुझे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक वो इंसान मैं हूँ। मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया, आई विश कि इस केस में तुम लोगों की हेल्प करके शायद मेरे गिल कुछ कम हो जाए। आई होप कि तुम मुझे एक चांस दोगे नायरा। ओके, पर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली होगा। तो तुम सबसे पहले जाके सारे स्टूडेंट्स में, स्पेशली बॉयज में ये बात जाके फैला दो कि तन्वी की फैमिली लाखों रुपए देने को तैयार है उस एमएमएस डिलीट करने के लिए, ताकि वो जो कोई भी है वो डेस्परेट हो जाए। और मैं सब पे नजर रखी रही हूँ तो मैं उस तक पहुँच जाऊँ। बस तुम इतना कर दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। समझ लो, डन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू गाइस कि वो इंसान जिसने तन्वी का वीडियो बनाया था वो पकड़ा गया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं आप सबके साथ उसके डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस की परमिशन नहीं। आई रिक्वेस्ट कि आप सब दोबारा अपने क्लासेस अटेंड करें और नॉर्मल रूटीन फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। कार्तिक झूठ क्यों बोल रहा है? खबर तो उस तक पहुंच गई है, जाल भी बिछ गया, अब वो रिलैक्स और कॉन्फिडेंट होगा, पर हमारा उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मिस्टर गोयनका, फोन तो इसी कॉलेज में है, ये हमारी टीम ने पता कर दिया है, बस अब है किसके पास और कहाँ है। अगर ये पता लग जाए ना तो इट वुड बी गेम ओवर फॉर हिम। आप रेडी हैं मेरे प्लान के हिसाब से? बिल्कुल सर। गुड, तो ठीक, 1 बजे मैं अपना काम कर दूंगा, आप स्टाफ से कहिए कि रेडी रहे। टोटली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।